नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में डिफरेंस। नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या लगता है दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन जब हम पार्टनरशिप करने बैठते हैं तब हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट तो कुछ और होता है और डिविजिबल प्रॉफिट किसी और चीज को कहते हैं। आ जाती है ना कंफ्यूजन यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट जब हम ऑर्गेनाइजेशन की टोटल इनकम में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, सारे खर्चे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम ऑर्गेनाइजेशन के माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो डिफरेंस निकल के आता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। अब पार्टनरशिप में आके हमें एक और वर्ड मिल गया, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ के टोटल को जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और इन सब को डिडक्ट करने के बाद में जो वैल्यू यहाँ पे बचती है उसी को तो डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं।